सर्किट के भाई मुन्ना भाई MBBS, तो आपने अपनी मंजिल हासिल करी ली, लेकिन जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे, उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। जोक्स अपार्ट, बट वेरी कांग्रेचुलेशन एंड वेरी थैंकफुल कि आपने अपने पेरेंट्स को इतना प्राउड फील कराया और उन्हें ये मौका दिया कि वो गर्व से बोल सके कि मेरा बच्चा या मेरी बेटी डॉक्टर है। क्योंकि फादर बोलना बहुत कुछ चाहते हैं बट कभी जता नहीं पाते हैं। इस वजह से उनकी तरह से मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। किसी सीनियर भैया या किसी सीनियर डॉक्टर से ये सुना ही होगा कि MBBS की जो सिलेबस होती है वो वास्ट और पहाड़ जैसी होती है, और उस पहाड़ के टॉप पे पहुँचने के लिए हमारे जैसे कुछ लोग या आपके कॉलेज के अंदर जितने भी सीनियर होंगे वो आपको हेल्प करेंगे और वो गाइड करेंगे कि क्या। तो अब हम आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पे कि फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट के पास कौन से बुक होने चाहिए, कौन सी उन्हें बुक रेफर करनी है, कौन सी गैजेट्स उनके पास होनी चाहिए, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होनी चाहिए जिसकी वजह से इन फ्यूचर को रिग्रेट ना करें लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये ट्राई किया भी होगा पता करने का कि फर्स्ट ईयर MBBS के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं या कौन कौन से इंस्टीट्यूट की सब्सक्रिप्शन लेनी चाहिए फर्स्ट ईयर में, या वो मैरो होनी चाहिए या प्रेप कर लिखी लेनी चाहिए या डॉक्टर भाटिया की लेनी चाहिए या DBMCI की लेनी। तो मुन्ना भाई आ चुका है आप लोगों को बताने के लिए कि फर्स्ट ईयर MBBS के अंदर आपको कौन कौन से बुक रेफर करनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एनाटॉमी के लिए मैंने BT84 यूज किया था, जो कि आपको मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। जियोलॉजी के लिए जो सबसे फेमस बुक है वो एक गाइटन है, दूसरा सिम्बुलिंगम है। गाइटन ज़्यादा फेमस इस वजह से क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड बुक है। अब मुझे नहीं पता कौन पढ़ता है गाइटन, बाकी जो पढ़ते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंथ तक पढ़ते हैं, उसके बाद वो भी जय माता दी करके रख देते हैं मेरी तरफ। सिम्बुलिंगम मैंने प्रीफर किया था, तो मैं आपको भी वही बोलूँगा कि सिम्बुलिंगम आप ट्राई कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर सबसे ज़्यादा फ्लो चार्ट दिए हुए हैं, जो कि बहुत ईजी होता है। आपको यूनिवर्सिटी के अंदर उस फ्लो चार्ट को बना के अच्छे खासे मार्क्स मिलने की चांसेस रहती है। वैसे अगर अपनी थर्ड जो सब्जेक्ट आती है वो बायोकेमिस्ट्री आती है, और बायोकेमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसके अंदर भी 2 बुक आती है, एक वासुदेवन आती है, दूसरा सत्यनारायण आती है। वासुदेवन जो है वो भी एक तरह से स्टैंडर्ड बुक बोल सकते हैं, उसके अंदर क्लिनिकल केस जो होते हैं वो ज़्यादा होती है। लेकिन मैंने जो पढ़ा, जो मुझको सबसे ज़्यादा ईजी फील हुआ वो सत्यनारायण था, क्योंकि उसकी लैंग्वेज जो थी वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ईजी वे में थी, तो वो मुझको समझने में भी ज़्यादा ईजी आता था। क्योंकि फर्स्ट ईयर की जितनी भी बुक्स वगैरह हैं उनकी बातें होगी। आप में से बहुत लोग अगर ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं कौन सा प्लेटफॉर्म लूँ फर्स्ट ईयर के लिए, तो इन चारों में से जैसे मैरो हो गया, प्रेप लेडर हो गया, DBMCI हो गया या डॉक्टर भाटिया हो गया, इनमें से मैं कौन सा प्लेटफॉर्म को चूज करूँ, तो उसके बारे में अगर आइडिया लेना हो या आपको नॉलेज लेना हो तो आप मेरे इस वीडियो के अंदर कॉमेंट करना। मैं इस टॉपिक के ऊपर एक फुल डिटेल वीडियो बना दूंगा, और मैं ये भी बता दूंगा कौन से सब्जेक्ट के सबसे बेस्ट जो टीचर हैं या फैकल्टी हैं जो आपको एकदम बेस्ट एक्सप्लेन करेंगे, जिसके वजह से आपको कहीं ना कहीं आपके PG में भी हेल्प होगी और आपके UT एग्जाम के अंदर भी हेल्प होगी। जितनी भी बुक्स के बारे में मेरे को बताना था वो मैंने आपको बता चुका। अब बात आती है आपकी गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर कि अभी से फर्स्ट ईयर के से हमें टैब लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। आपको इन द फ्यूचर आपको उससे हेल्प मिले, ना कि उसकी वजह से आपको रिग्रेट करना पड़े या प्रॉब्लम फेस करना पड़े। मेरे कॉलेज के अंदर बहुत से लोग हैं जो कि iPad यूज करते हैं, और मैं जो खास यूज करता हूँ वो मेरा टैब है जो कि सैमसंग का है। मैं ये नहीं बोलता कि सेम वाला लो, लेकिन जो या तो आप iPad लो या तो आप कोई किसी भी कंपनी का टैब लो, बट आपको स्पेशली इस चीज़ का याद इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। टैब के साथ आपकी जो एस पेन आती है, बहुत से मैंने देखे अपने कॉलेज के अंदर कि बहुत से बच्चे जो है ना उनको पहले तो उन्होंने कोई भी टैब ले लिया, फिर धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि यार इस टैब और नोट्स बनाने की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अब कहाँ 50 कॉपी बुक्स पे आप मार्किंग करते रहोगे, तो बहुत से बच्चे जो होते हैं वो टैब ले लेते हैं। इसलिए या मैंने खुद इसलिए प्रीफर किया टैब, क्योंकि एक इस टैब के अंदर ये जो मेरी टैब है उसके अंदर सारे जितने भी बुक्स है, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो या फोर्थ ईयर हो, चाहे कोई मेरा खुद का पर्सनल नोट्स है, इसके अंदर एक टैब के अंदर मेरी सारी बुक्स है, जितनी भी ये पहाड़ वाली बुक्स है वो सारी एक टैब के अंदर
लोडेड है, तो मुझे इस चीज की कोई टेंशन नहीं होगी। इन द फ्यूचर अगर मुझे पीजी की प्रिपरेशन करनी पड़े या फोर्थ ईयर के टाइम पे कि मुझे इतनी सारी बुक एक साथ लेके कहीं घूमना ना पड़े, इससे ज्यादा मुझे बेटर लगे कि एक टायर आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि इतनी सारी जो भारी बुक्स है उसका लोड कम कर देगी और आपके पास इसकी आपके पास लोडेड रहेगी एक छोटे से टैब, इतने पतले से टैब के अंदर आपके सारी सारी बुक्स सारी नोट्स एक जगह कंपाइल रहेगी। आपको जहाँ यूज करना है आप यूज कर सकते हो, मार्किंग कर ही सकते हो, जो चीज़ बनाना है पीडीएफ बनाना है वगैरह, सिम का हो सिम वाला हो या ना हो वो कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। अब आते हैं बाकी फर्स्ट ईयर के अंदर बुक्स हो गए टैब्स हो गए, इनके अलावा और आपको फर्स्ट ईयर के अंदर कौन कौन सी जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी आपको काम आने वाली है, उसमें आती है आपकी डाइसेक्शन किट। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को डाइसेक्शन किट उनके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि बिना डाइसेक्शन किट के वो अपनी फर्स्ट ईयर क्लियर ही नहीं कर सकते। अगर वो अभी से अभी खरीद के नहीं रखोगे तो फिर भाई आपकी डाइसेक्शन के अंदर आप जाओगे दूसरों से मांगते फिरोगे, कोई देने वाला नहीं है, आप पीछे आप बस ऐसे सामने वाले को देखते रहोगे और वो करते रहेगा। इससे अच्छा है कि पहले से डाइसेक्शन किट खरीद के रखो। अब आती है फिजियोलॉजी की बात, तो फिजियोलॉजी के अंदर कोई खास इंस्ट्रूमेंट होती नहीं है, वो होती है जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं बट वो शायद हो सकता है कि आपको कॉलेज आपको अवेलेबल कराए थे पहले, आप अपने कॉलेज में पहुंचो और तब देखना। और फिर बहुत से बच्चों का ये भी होता है कि स्पेग्नोमीटर वही बीपी वाली उसका नाम लेने में भी मुश्किल आती है, तो बाबा वो सारे काम आपको नहीं लेकर वो सारी चीज़ आपको नहीं खरीदनी है, कॉलेज आपको खुद अवेलेबल कराएगी, जहाँ भी आपको जरूरत पड़ेगी वो आपको अवेलेबल कराएगी। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है चीज़ वो है स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप जो ये लगाने के बाद आपको थोड़ी जो फीलिंग आती है गट्स फीलिंग आती है, वैसे तो फर्स्ट ईयर में ज़्यादा यूज आती नहीं है, लेकिन अपने बगल वाले को दिखाने के लिए बहुत काम आएगा, थोड़ा इंप्रेशन जमाने के लिए काम आती है, तो ले लेना कहीं ना कहीं फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत काम आ ही जाएगा। बाकी अगर किसी और चीज़ की डाउट हो और कोई और आपके माइंड में आ रही हो चीज़ जो कि मैंने आपकी डाउट क्लियर ना कर पाया हो, तो वो आपको मैं कमेंट करना, जिसके मैं कमेंट देखता हूँ और कमेंट देखने के बाद मैं उस पर रिप्लाई भी करूँगा। अगर बहुत ज़्यादा लगेगा कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए ये कि कौन से मेरे को प्लेटफॉर्म चूज करनी चाहिए फर्स्ट ईयर से, तो अगर उसके ऊपर कोई डाउट हो या अगर उसके ऊपर अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में करना, अगर कमेंट अच्छी खासी रहेगी तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। मैंने तो आपने आपको सेल्फ इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, तो मैं डॉक्टर अतुल आनंद थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम GMC सिंधुदुर्ग, और दोबारा नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, इसके लिए स्टे ट्यून रहो और बने रहो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और थंब मार के लव दो। थैंक यू, बाय।